अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा एक अनोखा 12 वोल्ट का डीसी मशीन जो कि कढ़ाई मशीन करने में इस्तेमाल होती है। आज हम आए हैं अपने इस दोस्त के पास जो कि और इनके जितने भी प्रिंट वगैरह हैं वो इस पे चलते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो है इस मोटर के ऊपर। ये इस जो है बिजली की यहाँ पे शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे 12 वोल्ट बिजली को इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे ये 12 वोल्ट के साथ अपना पूरा काम चलाते हैं, इन मशीनों को चलाते हैं, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ आज हम आपको ये मशीन चला के दिखाएँगे और इसकी स्पीड कम, मीडियम और हाई स्पीड भी करके आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खीस। खीस, ये खीस भाई हैं, ये अभी आप शीस। शीस। ये शीस भाई हैं इनका नाम मुझे नहीं आ रहा इतना, तो ये शीस भाई हैं, ये अभी हमें मशीन चला के दिखाएंगे और हम इसको देखेंगे इस कम स्पीड पे भी और फुल स्पीड पे भी और मीडियम स्पीड पे भी। तो ये 12 वोल्ट की 2730 आरपीएम की 350 वाट की जो है मोटर है, तो ये अभी हमें चला के दिखाएंगे। खीस भाई चला के दिखाएं, ये देखें ये 12 वोल्ट बैटरी के साथ जो है ये अपना काम चला रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड के है। ये देखें खीस भाई आपको चला के दिखा रहे हैं, अभी आपको हम मीडियम स्पीड में दिखाएंगे। ये इन्होंने तीन डायोड इस्तेमाल किए हैं 10 पावर के, ये तीन डायोड अभी ये दरमियान में लगाया है इन तीन डायोड्स के दरमियान, ताकि वोल्टेज जो हैं वो अभी हमें तकरीबन 8 से ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी ये इसकी स्पीड हम चेक करते हैं, ये देखें पहले से ज़्यादा स्पीड है इसकी, ये देखते हैं। ये मशीन को बेसिकली ज़्यादातर बिजली पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिजली की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे ये बैटरी से काम ले रहे हैं। और ये देखें अभी मीडियम स्पीड इसकी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी खीस भाई आपको जो है फुल स्पीड पे इसको चला के दिखाएंगे। तो यहाँ से इसकी जस्ट हमने एक जो है वायर जो है पॉजिटिव उसको इसका कनेक्शन चेंज कर देना है और ये फुल स्पीड में वर्क करेगी। ये देखें फुल स्पीड में, अभी इसका मैं कनेक्शन आपको समझा देता हूँ कि ये जो मोटर की दो तारे हैं इनमें से एक तार जो है डायरेक्ट हमने पॉजिटिव के साथ लगा दी है बैटरी के, और इसकी जो दूसरी वायर है डायोड का जो एक सिरा है उसे हमने छोड़ देना है, उससे हमें कुछ नहीं करना। और जो डायोड की जो दूसरी साइड है जिसे हम नेगेटिव साइड कहते हैं, उस नेगेटिव साइड के साथ हमने
अपनी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट अप कर दिया है। उस कनेक्शन को हमने डायोड के साथ डायरेक्ट लगाया है और उससे फिर हम इसकी मोटर की जो नेगेटिव वायर है वो हम आगे पीछे करते रहते हैं, तो जिससे नॉर्मल हाई और फुल चलती रहती है। तो खीस भाई, आप हमें बता सकते हैं कि इसकी जो बैटरी है, ये जो आपके पास ये बैटरी है, ये कितने घंटे निकालती है? ये अगर जब ये फुल चार्ज होती है, फुल चार्ज में तकरीबन चले पूरे रोज, चले सुबह 6 बजे से लेकर के मगरिब तक, चले सुबह 6 बजे से लेके मगरिब तक। हाँ, तो इसका मतलब 8 घंटे ये बैटरी आपको बैकअप टाइम दे देती है। चलें ठीक है। हाँ, अभी इसके ऊपर जो है वो एक मशीन अगर चलाएंगे तो 8 घंटे, और दो मशीनें अगर इसके ऊपर लोड होगा तो ये तकरीबन 4 घंटे मैक्सिमम इसका एक फुल बैटरी जो है वो, जो के है 100 एम्पेयर की, वो इसके ऊपर 8 घंटे आपको बैकअप टाइम इजीली देगा। तो इनके पास जो सिस्टम है वो सोलर का है, ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, तो उन सोलर से ये बैटरी चार्ज करते हैं और उसी से ही ये अपना बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो इनके पास तकरीबन देखने को मिलता है कि पूरा डीसी सिस्टम है, इनके जितने भी फैंस वगैरह लगे हुए हैं डीसी हैं, तो पूरी बचत कर रहे हैं बिजली की, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।